अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ अलीम फ्रॉम स्किल्स अकेडमी। आज की वीडियो में हम सीखेंगे कि हम किस तरह एक आर्टिकल की कैच देख सकते हैं। तो ज़्यादातर मसला बनता है कि जब क्लाइंट के लिए वर्क कर रहे हो तो क्लाइंट कहता है कि जी ये मसला पहले नहीं था, आपने क्रिएट कर दिया है, या हम चेंजेस करते करते वो हमसे कोई गलत चीज़ हो जाती है और हमें पता नहीं चलता कि वो पेज पहले किस तरह का था, क्या चेंजिंग हुई है। तो उसका हल ये है कि आप आर्टिकल का लिंक कॉपी करें, केज आगे कॉलन और आगे यूआरएल लिख के एंटर करें, तो उस पेज की केज ओपन हो जाएगी और इस तरह आप उसके लेआउट वगैरह देख सकते हैं कि वो पहले किस तरह का शो हो रहा है। ये केज जो होती है ये 1-2 दिन पहले की होती है, जैसे ये कल की है। अगर कोई वेबसाइट ज़्यादा न्यू हो तो उसमें 2-3 दिन की भी हो सकती है। एक और तरीका जो है वो वे बैक मशीन है। लेकिन वे बैक मशीन का ये मसला है कि ये जो काफ़ी 1-2 साल पुरानी वेबसाइट्स होती हैं उन पे सिर्फ शो करती है केज। वे बैक मशीन आपको अगर आपका ज़्यादा पुराना आर्टिकल है तो 2-3 साल पीछे भी दिखा सकती है कि ये इसका पहले डिज़ाइन किस तरह का था। तो ये भी काफ़ी अच्छी और कमाल की वेबसाइट है। अब देखेंगे हम 2017 में ये किस तरह शो होती थी। तो ये ज़्यादा जो ओल्ड वर्जन है वो वैसे ही फॉरबिडन है। तो हम चेक करते हैं 2018 मेरे ख्याल से, 2019। तो 2019 में इसका थोड़ा लेआउट इस तरह का था, आउट ऑफ स्टॉक थी उस वक्त कुछ प्रोडक्ट्स। तो उम्मीद है इस ट्यूटोरियल में आपको कुछ न्यू चीज़ सीखने को मिली होगी। वीडियो देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।